गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। गाइस आप लोग का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज बहुत ही प्यारा धूप निकला है। गाइस कई दिनों के बाद आज धूप निकला है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है कि आज बहुत ही प्यारा मौसम है। आज धूप है तो थोड़ा सा कपड़ा वगैरह भी सूखने का मौका मिलेगा। और मेरा बरसात में इस तरह से आंगन घर कैसा लग रहा है गाइस, एकदम पूरी तरह से ख़राब लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, पर क्या करेगा गाइस, यहाँ पे ना हम लोग को झाड़ू वगैरह करने में नहीं बनता है, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ रहता है गाइस। तो झाड़ू वगैरह करने में नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा पानी आंगन में जमा रहती है, तो कुछ भी इधर काम नहीं हो पाता है, इधर यानी झाड़ू भी नहीं हो पाता है। तो अभी धूप है हल्का हल्का, तो देख सकते हैं अभी थोड़ा सा आंगन सूख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आज थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ सफाई कर दूँगी। तो गाइस मैं अभी आ गई हूँ अंदर, और पहले अंदर रूम से शुरुआत कर रही हूँ साफ़ सफाई की। तो आज लास्ट सावन है गाइस, तो आज हमारे यहाँ पूजा हम लोग रखे हैं, सुबह सुबह ही पूजा रखे हैं गाइस। उतना दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि सावन में यहाँ पे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा करवाएंगे, पर ना बहुत ज़्यादा पानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था गाइस, एक दिन भी छूटने का नाम नहीं ले रहा था। यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी गर्जन के साथ, और कभी कभार हल्की भी बारिश हो रही थी, पर ना एक दिन भी छूटने का नाम नहीं ले रहा था। तो बहुत जन आने जाने में दिक्कत होती है गाइस, जैसे कि मेरे फैमिली वगैरह है, दीदी सब बाहर रहती है, तो उनको पूजा में बुलाना चाहती हूँ, तो बारिश हो रही थी तो कैसे आते, इसी वजह से हम लोग ना नहीं कर पा रहे थे गाइस। और पूजा पाठ में फैमिली लोग आते हैं तो थोड़ा और भी अच्छा लगता है, तो इसी वजह से आज बहुत दिनों के बाद धूप आई है गाइस। तो आज काम करने में भी ठीक लग रहा था, और आज हमारे घर में पूजा था सत्यनारायण भगवान की, कथा हम लोग रखे थे, और लास्ट सावन है गाइस, तो इसी वजह से हम लोग पूजा रखे हैं, क्योंकि सावन फिर पार हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और हम लोग सोच रहे थे कि सावन में ही पूजा कराएँगे। तो गाइस अभी मैं अंदर आ गई हूँ इस रूम में, इस रूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई बेडशीट वगैरह निकाल दे रही हूँ, और यहाँ का कुछ कुछ सामान थोड़ा सा हटा दूँगी, और यही रूम में हम लोग इसी बेडरूम में पूजा करने वाले हैं गाइस, क्योंकि बाहर उतना स्पेस जगह है नहीं, तो इसी वजह से यहाँ के जो मशीन वगैरह है, कुछ भी सामान है, थोड़ा सा हटा दे रही हूँ, और यहीं पर हम लोग पूजा पाठ आज भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा यहीं पे होगी। इसी वजह से यहाँ से थोड़ा सा सामान दूसरे रूम में रख दे रही हूँ, और सिर्फ पलंग वगैरह रहेगा, और कुछ कुछ सामान यही रूम में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ होगी तो ज़्यादा लोग तो अभी अंदर बैठेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी गाइस। तो कुछ कुछ पंखा वगैरह है, स्टैंड फैन वगैरह, वो लोग भी हटा दे रहे हैं यहाँ पे, और पलंग नहीं हटाऊंगी, क्योंकि पलंग हटाने में बहुत दिक्कत होगी गाइस, खोलना पड़ेगा, फिर से उसको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए कुछ कुछ सामान यहाँ से रूम से हटा दे रही हूँ, और कुछ कुछ सामान यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से यहाँ पर दोहड़ दे रही हूँ गाइस, सरिया दे रही हूँ, झाड़ दे रही हूँ, और यहाँ पे हो इधर का थोड़ा सा साफ़ सफाई हो गई है, सिर्फ अब यहाँ का झाड़ू वगैरह यहाँ कर देंगे, उसके बाद पोछा वगैरह लगा लेंगे, उसके बाद ही नहा धो के और सुबह में ही पूजा रखे हैं गाइस, क्योंकि सुबह में पूजा इसलिए रखे हैं क्योंकि ना दीदी लोग थोड़ा सा दूर से आएगी, तो उन लोग भी पूजा सुन के उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे गाइस, क्योंकि फैमिली लोग आते हैं उसके बाद रात में ठहरते नहीं हैं गाइस, और शाम में पूजा रखूंगी तो उन लोगों को भी आने जाने में दिक्कत होगी और ठहरने में, क्योंकि वहाँ पे बच्चे लोग भी हैं, तो इसी वजह से हम लोग ना सुबह में ही पूजा रखी हूँ, और मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ गाइस, और मैं अभी प्रसादी कट कर ले रही हूँ, और दीदी भी है
मेरी बड़ी वाली दीदी जो है यहाँ पे हेल्प कर दे रही है। मैं देखी देख सकते मेरी दीदी लोग आ गई है, गाइस सारे लोग मेरे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और मैं तैयार हो गई थी, यानी सारा तैयारी कर ले रही हूँ। पंडित जी अभी आया नहीं है गाइस, तो गाइस अभी देख सकते पंडित जी आ चुके हैं, पूजा की तैयारी शुरू हो रही है और पंडित जी भी तैयारी कर ले रहे हैं और हस्बैंड भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग दोनों जन आज उपवास किए हैं गाइस, और हम लोग जब भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं गाइस, तो हम लोग ना साथ में ही करते हैं, मैं और मेरे श्रद्धा के पापा, हम लोग दोनों साथ में ही करते हैं। और कोई भी पूजा पाठ करने में हस्बैंड वाइफ साथ में करते हैं गैस, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में करते हैं ना तो हम लोग का जो होता है गैस, जिस तरह शादी में होता है चुनरी गमछी सब होता है ना, जो गेठिया जोड़ा जाता है शादी में, जो गेठी जोड़ी होता है गैस, तो उसी तरह से पूजा पाठ में होती है। तो ये रही मेरी चाची सास की बेटी और मेरे हस्बैंड की चचेरी बहन है गैस, और इन वही हम लोगों का जो मैं चुनरी ओढ़ के यहाँ पे बैठी हूँ। और पूजा में बोला जाता है कि हस्बैंड वाइफ पूजा करते हैं तो शादी वाला जोड़ा पहन के ही किया जाता है। और तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी ननद है जो गेठी होता है गैस, यहाँ गिट्ठा यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे गेठी जोड़ा हो रहा है और ननद ही लगती है, तो बोला जाता है कि ननद ही गेठी जोड़ते हैं, तो वही हम लोगों को गेठी जोड़ दे रहा है गैस। उसके बाद हम लोगों का पूजा शुरू हो गई है और अभी गेठी जोड़ा जाएगा, उसके बाद हम लोग का पूजा शुरू हो जाएगी। तो गैस हो चुका है, गेठी बन चुकी है, तो अभी पूजा पंडित जी शुरू कर दिए हैं और लास्ट सावन है इसी वजह से हम लोग पूजा पाठ अभी रखे हैं गैस। फिर अगर नहीं कर पाऊँगी तो फिर सावन ख़त्म हो जाएगा और बीच में ही करना पड़ेगा। और वैसे भी सत्यनारायण भगवान की पूजा कभी भी किया जाता है, जब मन में सोच लिया कि आज पूजा करना है तो कर लेना ही चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब भी मन करे तब भी पूजा कर लेना चाहिए। तो हमारी पूजा शुरू हो चुकी है गैस, और पंडित जी थोड़े छोटे हैं और पंडित जी नहीं आए हैं, उनका बेटा आया है पूजा कराने। तो हम लोग को क्या है गैस, हम लोग को सिर्फ पूजा करने से मतलब है, कोई भी हो सिर्फ पंडित जी होना चाहिए। तो हमारी पूजा शुरू हो चुकी है, तो आप लोग भी सुनिए माँ सत्यनारायण भगवान की कथा और हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए, और साथ साथ हमारे साथ साथ आप लोग भी सुनिए गाइस सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अस्वपक्षारणवृषमर्व्यामिहे। ओम रूढ़ी सुंदरम शमर्यामि श्री गणाधिपतिभ्यो नमः देवताभ्यो नमो जन्मा चमन्यम शमर्यामि श्री आदि शक्तिभ्यो नमः देवता देवभ्यो नमो नमः ओम नमोत्तम शमर्यामि श्री गणाधिपतिभ्यो नमर्यामि श्री गणाधिपतिभ्यो नमः देवता देवभ्यो नमो नमः स्तोपोच्चारणम शमर्यामि।
ओं गंगे शयमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेश्वन्निं सन्निधिं श्री कनकादिगुरुं देवताभ्यो नमो नमः इष्ट देवताभ्यो नमो नमः ओम दिलंगतरं बंधते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्यं नमस्तु सर्वं श्री कलसादि गुरु देवता भयो नमः विष्णु देवता विद्धो नमो नमः ओम नमः रंगेण सदृशं मे गौरणं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यांगम्यं वंदे विष्णु भवैरणं सर्वलोकनाथं मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गुरुध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलायतनं श्री विष्णु देवताभ्यो नमो नमः ओम विष्णु देवताभ्यो नमो नमः ओम ब्रह्मामरारे ओम तनामृतम शमरभावे श्री पंचदेवता द्विभ्यो नमिष्टदेवता द्विभ्यो नमो नमः पद्रोम जलमाचमन्त्रम शमरभावे श्री पंचदेवता द्विभ्यो नमिष्टदेवता शमरभावे नमो नमो हस्तोपक्षारणं शमरभावे नर्मदे श्री सत्यनारायण देवता भूर्मिष देवता करता हूँ साधु बोला महाराज ने योग वर पाकर उस व्यथा व्रत के करने से भगवान फिर तरह के सुंदर वस्त्र पहनने को दिलाए स्वाहा
अभी लाए ना चश्मा, उसमें पेंट करेंगे वीडियो। ओम माता विष्णु स्वाहा, ओम सूर्य मंडलाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम देवीभ्यो सर्वेभ्यो नमः स्वाहा, ओम देवीभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कलसादेव देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम पृथ्वी देवता भूमि स्वाहा, भृगु देव शनि वेद भूमि वनह प्रचोदयात् स्वाहा, ओम गुरु गुलियक तो स्वाहा तो हमारा अपने मोदी जरा बोलो ओका तो हम हटे हम पर आप किया तो सही जमीन भवन का लोग सब स्वाहा का है जमीन बोल गया है ना अरविंद रत्नजड़ित सिंहासने अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करतनीरा जय लक्ष्मी ओम जय लक्ष्मी रमना चरत प्रसाद शवायु कदली फल। तो गैस पूजा पाठ खत्म हो चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी था गैस, इसी वजह से अंदर कोई बैठा हुआ नहीं था, सारे लोग बरामदा में ही बैठे थे और यहाँ पे पंखा वगैरह भी नहीं चल रहा था गैस, क्योंकि यहाँ पे हवन वगैरह हो रहा था और यहाँ पे दिया भी जल रही थी, तो इस वजह से यहाँ के पंखा बंद कर दिया था गैस, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और यहीं पे हवन वगैरह हुआ, तो इसी वजह से ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं बन पाए आरती का, क्योंकि आरती के समय में बहुत ज़्यादा धुआं भी हो रहा था, क्योंकि हवन का जो हवन हुई थी गैस तो यहीं पर था, तो बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था, इसी वजह से यहाँ आरती के समय में ज़्यादा लोग नहीं बन पाया। तो पूजा हो चुकी है गैस, सारे चीज़ जो नियम सारा चीज़ खत्म हो चुका है, बच्चे लोग अभी प्रसादी बांटने में लगे हुए हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, पूजा में शामिल हुए थे गैस बहुत ज़्यादा लोग, तो बाहर में ही व्यवस्था था उनका बैठने का, बाहर में ही पंखा वगैरह लगा दिया था गैस बरामदा में ही और यहाँ पे नहीं। तो गैस अभी यहाँ पे सारे लोग बच्चे लोग अभी प्रसादी बांटने में लगे हुए हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठी हूँ और जो टीका वगैरह दे रही थी, हमें कुछ बच्चे लोग यहाँ पे टीका लेने के लिए खड़ा। अरे दे।